आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं? मैं अशोक जयसिंघानी और राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अजमेर यूनिट का मीडिया प्रभारी हूँ। आज हम अजमेर जिले के समस्त पेट्रोल पंप ओनर्स इधर आए हैं। हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास कुछ मांगे हैं, जिला कलेक्टर के माध्यम से हम ज्ञापन देने आए हैं। हमारी मांगों में जो तीन पॉइंट मुख्य प्रकार से हैं वो ये है कि पिछले 7 साल से डीलर मार्जिन में कोई रिव्यू नहीं हुआ है, हमारे कमीशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि हमारे खर्चे 3 गुना 4 गुना तक बढ़ चुके हैं। हर प्रकार के मद हमारे बढ़ चुके हैं, पर हमारा कमीशन आज भी वहीं का वहीं है। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि अपूर्व चंद कमेटी के अनुसार जो हर 6 महीने में प्राइस रिव्यू होना था वो होना चाहिए और हमारा अकॉर्डिंगली मार्जिन बढ़ाया जाए। दूसरा, एक्साइज ड्यूटी में सरकार अचानक से 2 बार पिछले 6 महीनों में तेज़ी से कमी कर दी, बहुत बड़ा अमाउंट, जिसमें कई डीलर बिल्कुल बंद के कगार पे आ गए हैं। प्राइस घटवाने या बढ़ाने का एक नियम बना हुआ है, जब प्राइस बढ़ता है तो रोज़ का 40-50 पैसे बढ़ता है, जब घटने का भाई घटने की बारी आती है तो उसी प्रकार से पेट्रोल पंप डीलरों को। सर, अगर एक साथ आप पेट्रोल पंपों पे इतना लाखों लीटर माल रहता है, उसमें अगर 10-15 रुपये तक कमी होती है तो हमारा करोड़ों रुपए का प्रति डीलर का नुकसान हो जाता है। तो उसमें सरकार को कम करते वक्त भी उसी फॉर्मूले को ध्यान में रखना चाहिए जिस प्रकार से वो बढ़ाते हैं। तीसरा, कि राजस्थान के जो सीमावर्ती ज़िले हैं, जो अदर स्टेट से मिलते हैं, उसमें और जो केंद्र में शहर हैं उनमें प्राइस में बहुत बड़ा वेरिएशन है। पंजाब के जो निकटवर्ती ज़िले हैं वहाँ पे 10 से 12 रुपये महंगा डीजल है पंजाब के अकॉर्डिंग। उसमें हमारे सीमावर्ती ज़िले के जो डीलर्स हैं वो बेचारे बंद की करारे पे आ गए हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरे राजस्थान में ऐसा सिस्टम हो कि पूरा एक ही भाव हो, ताकि राजस्थान की सेल दूसरे स्टेट्स में नहीं जाए। इस प्रकार की मांग लेकर के हम यहाँ कलेक्टर साहब से मिले, किस तरह का कलेक्टर साहब आज हमें मिले नहीं, हमने एडीएम साहब को दिया है। एडीएम साहब ने हमें यह आश्वासन दिया है कि वो हमारी मांगों को आगे तक पहुँचाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम अशोक जयसिंघानी, मैं राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अजमेर यूनिट का।